Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today, 7 February 2019, Thursday है, इस वीक का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की और एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट इवेंट है RBI मॉनेटरी पॉलिसी जो कि दोपहर को 2:30 बजे पब्लिश होगा. तो केयरफुली ट्रेड कीजिए, आज काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है उस समय. ठीक है, कल हमने देखा कि काफी दिनों के बाद, काफी वीक्स के बाद एक ब्रेकआउट मिला है निफ्टी इंडेक्स में. तो क्या ये सही ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है, एनालिसिस करेंगे और आज क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये भी देखेंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 6 February आफ्टर मार्केट RCA पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. ये निफ्टी इंडेक्स का 60 मिनट का चार्ट है. कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने वहां पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज दिखाई थी. अगर ये बनता है तो एक अपवर्ड जर्नी हमें दिखाई दे सकती है, ऐसा हमने एनालिसिस किया था. तो जैसे कि कल की स्ट्रैटेजी थी, हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,964 और ब्रेकडाउन अगर साउथ की तरफ मूव करता है तो ब्रेकडाउन लेवल था 10,926. तो अब जैसे कि देख रहे हैं, हमारा ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर, ऑलमोस्ट उसके ऊपर ही कल निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में हमारा फर्स्ट टारगेट 10,984 और उसके बाद सेकंड टारगेट 11,002 ये दोनों भी अचीव्ड हुए. तो कल के इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अराउंड 35 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अगर 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो 26,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. ठीक है, तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, हम हर रोज सुबह निफ्टी एनालिसिस का ये वीडियो पब्लिश करते हैं मॉर्निंग में. अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस किया है, तो आपके मोबाइल के ऊपर अराउंड सुबह 8:30 के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मार्केट आज के पहले ये वीडियो देख पाएंगे. ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट के हालात पर चलते हैं, फिर जाएंगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में हल्का सा प्रेशर दिखाई दिया, लाल निशान में बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे तो वहां पर भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई 139 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही. हालांकि चाइना और हांगकांग मार्केट, वहां पर आज हॉलीडे है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 34 पॉइंट की वहां पर अभी गिरावट देखने को मिल रही है. SGX निफ्टी भी 24 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. तो ओवरऑल मार्केट से थोड़े से कमजोरी के थोड़े से नेगेटिव संकेत आ रहे हैं. देखते हैं निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में चलते हैं. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे और फिर लास्ट में 60 मिनट के चार्ट पे इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाएंगे. वीकली और डेली एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है. लॉन्ग टर्म, मिड टर्म ट्रेंड क्या है ये हमें उससे पता चलता है. ठीक है, एज पर वीकली चार्ट, ये वीकली चार्ट है, हमें एक ब्रेकआउट मिला है इस साइडवेज पैटर्न जो ये था, ये रेंज बाउंड जो मूव था इसका एक ब्रेकआउट मिला है. हालांकि अभी वीक खत्म होने में 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है. यहाँ पर अगर स्ट्रांग बुलिश कैंडल स्टिक यहाँ पर अगर बनता है तो आने वाले वीक्स में हमें यहाँ से अपवर्ड रैली दिखाई दे सकती है. अगर ये फिर से 10,882 के पास अगर क्लोज होता है या फिर उसके नीचे क्लोज होता है तो फिर से यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न हमें दिखाई दे सकता है. ठीक है, हालांकि अभी स्ट्रक्चर बुलिश है 20-50-100 असेंडिंग ऑर्डर्स में और उसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है. तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा? एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल 11,089 ये फर्स्ट हर्डल है और उसके बाद ये जो यहाँ पर प्रीवियस पास्ट में जो यहाँ पर ये स्विंग हाई लगाया है तो इसका ये जो हाई बन रहा है इसके आसपास 11,171 के पास यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है. ठीक है, और नीचे अभी 10,985 ये सपोर्ट का काम कर सकता है और उसके बाद 10,882 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है. ठीक है, तो एज पर वीकली चार्ट ये सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल्स अभी यहाँ पर आ रहे हैं. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में भी अभी ये जो पैटर्न है वो अभी स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश बन रहा है. 20-50-100 अभी यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स में बन रहा है और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है. लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस में यहाँ पर बुलिश कैंडलस्टिक बनती हुई हमने देखी है.
तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आए, ठीक है। और जो अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस का जिस लेवल ने काम किया था, जो कि अराउंड 10,985-980 के पास है, ये फिर एक बार यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर से दोबारा जो कि 10,882 काफी लंबे समय तक इसने रेजिस्टेंस का काम किया है, वो अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये दो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं अभी एज पर डेली चार्ट, ठीक है। और ऊपर जो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था लाइन चार्ट में, अगर इसे कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है वो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जो सपोर्ट का काम करता है पहले, वो बाद में रेजिस्टेंस का भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस समय ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और पास्ट में यहाँ पर जो एक स्विंग लो बनाया है इसने निफ्टी ने पास्ट में एज पर डेली चार्ट 11,230 या 240 के पास एक रेजिस्टेंस है। अगर ये भी लेवल्स अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर पेनेट्रेट हो सकता है निफ्टी इंडेक्स, ठीक है। कंटिन्यू 5 ट्रेडिंग सेशन बुलिश कैंडलस्टिक बनाया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है, ठीक है। आज आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी भी है, तो बी केयरफुल, ठीक है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। निफ्टी इंडेक्स अगर 11,102 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है गैप अप ओपन भी हो और तुरंत यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस करे, तो ये लेवल कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय करें, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 11,125, और उसके बाद सेकेंड टारगेट 11,142 का होगा, ठीक है। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड साउथ की तरफ बढ़ता है तो 11,002 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 5 या 10 मिनट के चार्ट में, तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,012, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,992, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो, यह एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।